हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों YouTube पर शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है। दोस्तों मैं अक्सर क्या देख रहा हूँ, दोस्तों जो है शॉर्ट वीडियो उसको अपलोड करने के लिए आता ही नहीं, ठीक है। जब शॉर्ट वीडियो अपलोड करता है तो वो नॉर्मल वीडियो में रह जाता है। अब जो नॉर्मल वीडियो अपलोड करते हैं वो फ्रेंड्स वो पता नहीं चलता कि शॉर्ट में वीडियो गया है कि नहीं गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों शॉर्ट वीडियो सही तरीके से कैसे अपलोड कर सकते हो, उसमें क्या हैशटैग लगाना पड़ता है, थंबनेल कैसे लगा सकते हो, और कौन सा टाइटल लगाने से शॉर्ट में जो है वीडियो चला जाता है, और कौन सा टैग्स लगाने पर मतलब यूट्यूब पर जो है वीडियो व्यूज मतलब आने लगता है, ठीक है। शॉर्ट में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आपको जो मतलब यूट्यूब दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा भेज रहा है, ठीक है। और दोस्तों नया चैनल ग्रो करने के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो फ्रेंड्स आपका चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। न्यू चैनल के लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड कीजिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस मेरे YouTube चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइस वीडियो पसंद आता है एक वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे गाइस हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर समझा देते हैं कि कैसे आपको जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है और आपको क्या क्या ट्रिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ गया। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना है। अब जब यूट्यूब एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका ही बताऊँगा। अब दोस्तों क्या है कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्रिएट ये शॉर्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर रेड कलर का रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नीचे अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद दोस्तों ऊपर में एड टू म्यूजिक, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट में आ गया लूट गया, तो मैं यही सॉन्ग के ले लेता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद आगे देखते हैं तीर का निशान आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों ये जो है सॉन्ग सेलेक्ट हो जाएगा आपके जो वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कम करके रखा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। अब दोस्तों क्या करना है, आपको जो है आपको लिपसिंक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिपसिंक करना है। लिपसिंक करने के बाद दोस्तों मैं चलिए वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से शूटिंग कर लिया। शूटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो मतलब क्रिएट कर लिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल भरने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्रिएट या टाइटल। तो फ्रेंड्स आपको टाइटल में आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको जो है यहाँ से जो है यहाँ पर प्राइवेट है, तो आपको यहाँ पर मतलब पब्लिक होगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर अनलिस्ट या प्राइवेट पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना, ठीक है। आप जैसे ही आप अपलोड कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं अपलोड करने का, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला दिखाता हूँ आपको, ये वाला देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अब दोस्तों आपको 60 सेकंड से ज़्यादा, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे दिख रहा है अपलोड आइकन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको गैलरी खुल जाएगा, गैलरी में जितना आपका वीडियो है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ से 60 सेकंड का आप एक मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह अपलोड सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वीडियो आ गया, जो मैंने 16 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था। अब दोस्तों आपको जो यहाँ पर एक दो मिनट का वीडियो रहेगा तो वो भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। आपको जो मैं ये वीडियो बताऊंगा सेम प्रोसेस आपको उसी वो भी वीडियो में करना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखते हैं आपको एडिट आइकन दिख रहा होगा। अब दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना फर्स्ट टाइटल, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ से उसका टाइटल लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ लूट गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये सॉन्ग है, मैं लूट गया सॉन्ग में लिख देता हूँ। सॉन्ग लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। इसके बाद दोस्तों आपको हैश देना है, अब फिर शॉर्ट लिखना, ठीक है। SHORT शॉर्ट लिखना है, फिर आपको फिर से देना है, फिर यूट्यूब शॉर्ट लिखना, ठीक है। यूट्यूब हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट लिखना, ठीक है। यहाँ पर हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, इसके बाद दोस्तों आपको इसका जस्ट इसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में आके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हैशटैग देना है, फिर शॉर्ट्स लिखना है। इसके बाद दोस्तों फिर से हैशटैग देना है, फिर यूट्यूब लिखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। आपको इसी तरह लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टैग्स में भी आपको जो ये वाला कॉपी करना है, पूरा कॉपी करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर इस पर ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, आपको जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट देते हो, इसके बाद दोस्तों जो है ये वाला शॉर्ट में चल रहा था वीडियो, ठीक है। शॉर्ट्स मैंने दे दिया, इसके बाद मैं फिर से हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स फिर यहाँ पर देने के बाद
फिर अपना YouTube चैनल का नाम दे देना, ठीक है। तो मैं विवेक कुमार देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका वीडियो YouTube शॉर्ट में चला गया, अब दोस्तों यहाँ से आपको ऐसा थंबनेल बनाना है जो ऑडियंस क्लिक किए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। आपको कुछ ऐसा सेंसपेस बना के रखना है इसमें जो ऑडियंस क्लिक कर दे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ही बता रहा हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश जैसे कीजिएगा तो दोस्तों हाँ जो अपना जो अच्छा से वीडियो का SEO हो गया। अब दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में अपना जो सोशल मीडिया के लिंक भी डाल सकते हो, मैं चलिए डाल के दिखा देता हूँ अपना जो है सोशल मीडिया के लिंक, हैंडल वंडल सब मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, वीडियो को प्राइवेट कर दूँगा। प्राइवेट करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि ये वीडियो अभी तक शॉर्ट में गया है या नहीं गया। अब दोस्तों क्या करूँगा, मैंने यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर YouTube आइकन पर क्लिक करूँगा। YouTube लाइक उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वीडियो शॉर्ट्स में गया या नहीं गया। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं ये जो वीडियो YouTube शॉर्ट में चल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गया। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने अभी जो है यूट्यूब अभी अपना चैनल ओपन किया है विवेक कुमार। अब देख सकते हैं मैंने जो पहला अपलोड किया था तो इसमें 7 व्यूज़ आया। अब दोस्तों दूसरा ये रहा, तो दोस्तों ऊपर से देख सकते हैं शॉर्ट बीटा में अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो आ गया। तो दोस्तों इस तरह आप जो है अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो एक लाइक करना, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।